सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में उत्तराखंड का एक जवान शहीद हो गया। वहीं इस मुठभेड़ में चार आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। जम्मू कश्मीर में डोडा के आसार इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैप्टन दीपक सिंह की शहादत पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य भूमि उत्तराखंड के वीर सपूत कैप्टन दीपक सिंह को कोटिशह नमन। उन्होंने कहा कि मां भारती की सेवा में कैप्टन दीपक सिंह का ये बलिदान सदैव युवाओं में राष्ट्रभक्ति का संचार करता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं क्योंकि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हमें गर्व भी है, लेकिन साथ ही उनके परिवार के लोगों के लिए बहुत बड़ा दुख है। भगवान ऐसे समय उनको इस कष्ट को सहन करने का, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ऐसे समय में राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार, सारे लोग उनके साथ भगवान दिवंगत आत्मा अपने श्री जगह